नमस्कार, एक बार फिर से आपका रिपोर्ट एक्सक्लूसिव डॉट कॉम में स्वागत है। चलिए हम आपको फिर ले चलते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है। पहला चरण अभी जल्द होने वाला है और उसके बाद तमाम 8 चरण होंगे और 8 चरण के बाद एक परिणाम आएगा। 2 मई को ईवीएम खुलेगी और ईवीएम में जिन जिन नेताओं का भाग्य है वो खुल जाएगा, यानी कौन नेता जीत कर आता है वो स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले सर्वे, महासर्वे, ओपिनियन, एग्जिट और तमाम तरीके की भविष्यवाणी सामने आती रहेगी। ऐसे ही महासर्वे, एग्जिट पोल और भविष्यवाणी हम आपके सामने लगातार लाते रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमें फॉलो कीजिएगा। और उसके साथ जिस प्रकार से YouTube पे एक बेल आइकन का बटन आपको शो कर रहा हो, उस बेल आइकन पे बटन पे क्लिक करने के साथ ऑल नोटिफिकेशन भी चालू कर ले, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए ज़्यादा नहीं घुमाते हुए हम आप शुरुआत करते हैं। आज जो है करीबन 100, अगर बात करें आज की कुछ सीटों की बात करें तो 165 सीटें जो हैं उन पर हम विश्लेषण दिखाएंगे। 165 सीटों पर कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, कौन सी पार्टी बाजी मार रही है और कौन सी पार्टी कमज़ोर हो रही है। और आपको पता ही है पूरे पश्चिम बंगाल में सिर्फ और सिर्फ टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी और दूसरी जो है दूसरी तरफ बीजेपी ने पूरी अपनी ताकत झोंक रखी है। उसमें बहुत सारे नेता हैं, मेन नरेंद्र मोदी का चेहरा है, जेपी नड्डा का चेहरा है, अमित शाह का चेहरा है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज पश्चिम बंगाल में थोप दिए गए हैं जिनके भी चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। यानी मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ये जो पूरा चुनाव है वो नाक का सवाल बना लिया हो और वहाँ पर अकेली ममता बनर्जी उनके सामने डटी हुई है और ममता बनर्जी के हौसले देखते हुए बनते हैं। हालांकि हादसे में वो चोटिल हो गई थी, लेकिन उसके बाद लगातार जो है वो चोटिल अवस्था में ही व्हील चेयर के सहारे जो है हर जगह पर आपको सभाएं करती नज़र आ जाएगी, लोगों को संबोधन करती हुई नज़र आ जाएगी। जिस प्रकार से ममता बनर्जी की छवि जो पिछले 10 साल में बेदाग रही है, वहाँ के लोग कहते हैं अभी ममता बनर्जी की सरकार ने पिछले 10 साल में बहुत कुछ प्रयास किया है इस क्षेत्र की जनता के लिए, तो आगे भी वो ममता बनर्जी का साथ देंगे। हालांकि ये 2 मई को पता चल पाएगा अभी आखिर जनता किसकी तरफ गई है। चलिए 165 सीटों का गणित की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे फिर गुजारिश करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें और अपने जो ये वीडियो जो भी देख रहे हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, आपको सर्वे, महासर्वे, ओपिनियन पोल अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, भाई बंधुओं और आस पड़ोस में शेयर करना भी ना भूलिएगा। हाँ, एक लाइक पर जरूर बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही हमारी मेहनत का फल होता है। चलिए शुरुआत करते हैं 165 सीटों पर आखिर कौन जीत रहा है, कौन बाजी मार रहा है। अगर 11 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर बीजेपी के खाते में 7 सीट, जी हाँ, बड़ी अपडेट, बीजेपी के खाते में 7 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। तो वहीं टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 2 और कांग्रेस और लेफ्ट के महागठबंधन के खाते में 2 सीट। यहाँ पर साफ तौर पर कोलकाता की 11 सीटों में सीधे तौर पर टीएमसी का सुपड़ा साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर आप कोलकाता के आसपास के हैं तो आपको क्या लगता है, क्या ये अनुमान सही है या आपको लगता है कुछ और हो सकता है। वहीं हम बात करें अगले, बात करें तो कलिम्पोंग की, कलिम्पोंग में 1 सीट है वो सीधे तौर पर टीएमसी के खाते में जाने वाली है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के हाथ जो है दोनों के खाली रहने वाले हैं, जी हाँ। वहीं बात करें अगली मालदा की, मालदा में करीबन 12 सीटें हैं, 12 सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर बीजेपी के खाते में 5 सीट और टीएमसी के खाते में 6 सीट और कांग्रेस और गठबंधन के खाते में 1 सीट, जी हाँ। यहाँ पर एक बार फिर से बीजेपी और टीएमसी में ज़बरदस्त टक्कर है। टीएमसी हालांकि 1 सीट फालतू ले जाती हुई अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन फिर भी बीजेपी उनके पीछे पीछे जो है चलती हुई नज़र आ रही है। पश्चिम मेदिनीपुरी की अगर बात करें तो यहाँ पर 15 सीटें हैं और इन 15 सीटों की अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर बड़ी अपडेट ये है कि बीजेपी यहाँ पर 10 सीटें और टीएमसी के खाते में 5, यानी टीएमसी से दुगनी सीटें जो है पश्चिमी मेदिनीपुरी से
सीधे तौर पर बीजेपी निकालती हुई नज़र आ रही है। कांग्रेस और लेफ्ट के यहाँ पर भी हाथ सीधे तौर पर खाली नज़र आ रहे हैं। वहीं बात करें पूर्वा मेदिनीपुरी की, पूर्व मेदिनीपुरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 15 की बजाय 16 सीटें हैं और 16 सीटों में फिर बीजेपी बढ़त बढ़ाई हुई है। यहाँ पर भी पश्चिम मेदिनीपुरी की तरह पूर्वी मेदिनीपुरी में सीधे तौर पर बीजेपी के खाते में 10 सीटें, टीएमसी के खाते में 4 सीट और यहाँ पर कांग्रेस और लेफ्ट को 2 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। वो सबसे बड़ा नुकसान जो है यहाँ पर टीएमसी को हो रहा है। टीएमसी से दुगनी से भी ज़्यादा जो सीटें हैं वो यहाँ पर बीजेपी सीधे तौर पर मारती हुई नज़र आ रही है, एक अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है, अभी यहाँ पर भी जो अनुमान है वो क्या सटीक होंगे? वहीं अगली बात करें मुर्शिदाबाद की, तो मुर्शिदाबाद की 22 सीटें हैं और इन 22 सीटों का अगर अनुमान की बात करें तो 15 जो सीटें हैं वो सीधे तौर पर बीजेपी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। जी हाँ, यहाँ पर भी बड़ी अपडेट है, बीजेपी के खाते में 15 सीटें और टीएमसी के खाते में 5 सीट और यहाँ पर बात करें कांग्रेस और लेफ्ट के खाते में 2 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। जी हाँ दोस्तों, 22 सीटों में सीधे तौर पर 15 सीटें अगर बीजेपी लेके जा रही है उसका अनुमान है, तो सीधे तौर पर बीजेपी बहुत ज़्यादा टक्कर में है टीएमसी से। वही बात करें नादिया में 17 सीटें हैं, अगर उन 17 सीटों की बात करें तो सीधे तौर पर जो है बीजेपी यहां से 9 सीटें और टीएमसी 7 सीट और एक जो सीट है वो कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन को मिल रही है। तो यहां पर सीधे तौर पर नादिया में टीएमसी और बीजेपी में टक्कर ज़रूर है, लेकिन बीजेपी फिर भी यहां पर टीएमसी पर हावी साबित हो रही है। यहां पर टीएमसी से 2 ज़्यादा सीटें निकालती हुई एक अनुमान में साफ तौर पर बताया जा रहा है। वहीं बात करें उत्तर 24 परगना की, 33 सीटें हैं उत्तर 24 परगना में, इन 33 सीटों की अगर बात करें तो सीधे तौर पर बीजेपी ने यहाँ पर तीनों पार्टियों का सूपड़ा साफ सा कर दिया है। 20 सीटें सीधे तौर पर बीजेपी लेके जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। 8 सीटें टीएमसी को मिल रही है और 4 सीटें कांग्रेस और सीपीआईएम और कांग्रेस और लेफ्ट के जो गठबंधन है उनको 4 सीटें सीधे तौर पर। बीजेपी जो है तृणमूल कांग्रेस से 12 सीटें जो है सीधे तौर पर ज़्यादा लेके जाएगी और वो साफ तौर पर ये अंतर जो है लास्ट में चलकर बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा। वहीं बात करें दक्षिण 24 परगना की 31 सीटों की, तो इसमें भी सीधे तौर पर बीजेपी बड़ा फायदा लेती हुई नज़र आ रही है। बीजेपी के खाते में यहाँ पर 15 सीटें जाती हुई नज़र आ रही है, तो वही टीएमसी के खाते में 12 और यहाँ पर भी कांग्रेस और लेफ्ट के खाते में 4 सीटें जाती हुई नज़र आ रही है। साफ तौर पर कहा जा सकता है यहाँ पर टीएमसी और बीजेपी में टक्कर ज़रूर है, लेकिन फिर भी बीजेपी टीएमसी से 3 सीटें ज़्यादा ले जाने में कामयाब हो सकती है, ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है। वही बात करें पुरुलिया की 7 सीटों की, तो वहाँ पर सीधे तौर पर जो है 5 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है, तो टीएमसी के खाते में 2 और कांग्रेस और लेफ्ट के खाते में यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। वहीं लगातार ऐसी अपडेट पाने के लिए, ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन दबा सकते हैं। और अगर आप हमें सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं या अन्य प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो आप हमारे को फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।